मददगार अला कुल्ले शयइन कदीर का मिस्ताक कुन फयकून का मालिक एक लफ्ज़ कुल से कम वेश 18,000 आलमीन का खल्क करने वाला हम नाचीज बंदों पर बेपनाह मेहरबानियाँ फरमाने वाला हम गुलामान हैदर कर्रार के दिलों में मोहब्बत अहले बैत जैसा अनमोल खजाना वदियत करने वाला इरशाद फरमा रहा है निशकुरली वले वालिदैन मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। हमने हाथों को जोड़ा सर अकीदत झुकाया बारगाह खुदावंदी में अर्ज की परवरदिगार तू हमारा खालिक है तू हमारा मालिक है तू हमारा राजिक है रिस्क तूने दिया है जिंदगी तूने बख्शी है हयात तूने अता फरमाई है हम तेरा शुक्र अदा करने के लिए तैयार लेकिन ए रहीम ए करीम परवरदिगार जहाँ तूने अपना शुक्र अदा करने का हुक्म दिया वहीं पर बिला फासला बिला ताखीर माँ बाप का भी शुक्र अदा करने का हुक्म दिया ए परवरदिगार मामला क्या है माँ बाप का शुक्र अदा करने का हुक्म क्यों हो रहा है आवाज़ कुदरत आएगी खालिक हकीकी मैं हूँ मगर खालिक मजाजी माँ बाप हैं राजिक हकीकी मैं हूँ मगर राजिक मजाजी माँ बाप हैं ये माँ है जिसने हमारा दिया हुआ रिस्क तुम्हारे दहन तक पहुँचाया ये बाप है जो खुद भूखा रह जाता था और तुम्हारे खाने का इंतजाम करता था ये माँ बाप है जो तकलीफें खुद बर्दाश्त कर लेते थे मगर तुम्हें तकलीफ नहीं होने देते थे चूँकि बेटों की खदमत में एक बाप का पुरसा लिहाजा उसी मुनासिबत से माँ और बाप का बहुत बड़ा मर्तबा है निगाह कुदरत में निगाह रिसालत में निगाह इमामत में माँ बाप का यकीनन बहुत बड़ा मर्तबा और बहुत बड़ी फजीलत है अगर